जो राम को लाए हैं हम उनको लावांगे, हरियाणा में फिर ते वो भगवा लहरावांगे। हम उस कन्हैया को मित्तल को भी देखते हैं जो वीडियो में कहता है कि मेरा दिल कांग्रेस में जाने का कर रहा है, ऐसा क्या हो गया? अगर वो जो राम को लाए सुन सकते हैं तो हम कांग्रेस में जा सकते हैं। लोगों को जोड़ने के लिए किसी पार्टी से जुड़ना जरूरी है? शिंदे सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दे दिया, तो ऐसे ऐसे फैसले जब सनातनियों के लिए होंगे तो ऐसे राजनेताओं को जोड़ने में कोई क्या तकलीफ? आपका वीडियो आया, जिस तरीके से आपने वो वीडियो कहा कि मन कर रहा है जाना चाहिए, उससे मैं ऐसे लगा कि अंदर का एक राजनेता आ गया है, भजन गायक कहीं पीछे चला गया। अगर मैंने राजनीति करनी होती तो मैं सर से एकदम से न्यूज ही आती ना कि मैं चला गया, मैं शोर क्यों मचाता। अच्छा बाप कहाँ पे हैं? बीजेपी में है, कांग्रेस में है, कहाँ पे है? मैं राम जी के चरणों में हूँ, वही था वही हूँ वही रहूंगा। अमित शाह जी ने क्या कहा? कन्हैया भाई क्या कर रहे हो, या अपने स्टाइल? उन्होंने कहा भी हम तो उदास हो गए, ऐसा काम मत करो। वो अपनी लेखनी से अपने भजनों से हमेशा सुर्खियों में तो रहते ही हैं और अपनी बेबाकी उनको सुर्खियां बनानी भी आती हैं। हम बात करें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की, जिनकी सिक्योरिटी पिछले दिनों बढ़ी और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कांग्रेस जाने की बात कर रहे थे। खुद कन्हैया मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं मित्तल जी? मैं अच्छा हूं, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम मित्तल जी। आप, मैंने कहा कि आप लिखते हैं जब भजन और वो एक वायरल होते हैं, लोगों की जुबान तक जाते हैं, उस कन्हैया मित्तल को तो हम देखते हैं, हम उस कन्हैया को मित्तल को भी देखते हैं जो वीडियो में कहता है कि मेरा दिल कांग्रेस में जाने का कर रहा है, ऐसा क्या हो गया? देखो, हमारे पास हर पार्टी के लोग आते हैं और पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे मुझे मिले जो ये चाह रहे थे कि हम भी खाटू श्याम जी का कीर्तन कराना चाहते हैं, हम भी जागरण में जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी से कनेक्टेड दिखता है या बीजेपी वाले करवा पाते हैं। क्या हम नहीं करा सकते? और क्या हम भी जुड़ना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते? तो मुझे लगा इन लोगों को भी तो जोड़ना चाहिए, हमें राम धुन तो हर जगह बजानी चाहिए, तो अगर वो जो राम को लाए सुन सकते हैं तो हम कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन जो लोगों ने, क्योंकि मेरी राजनीतिक मंशा नहीं थी, वो बना दिया गया, मैं क्षमा चाहूंगा मीडिया के द्वारा कह लो या किसी के द्वारा, कि पंचकुला के टिकट मांग रहा था, नाराज चल रहा था, फलाना चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक लोगों को सिर्फ जोड़ने की, मेरा भी मन करता है, क्या एक आम आदमी का सवाल है, क्या राहुल गांधी जी अयोध्या नहीं जा सकते? उसके लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम कर नहीं सकते? इतनी सी बात है। नहीं, पर लोगों को जोड़ने के लिए किसी पार्टी से जुड़ना जरूरी है? नहीं, लेकिन उस पार्टी के लोगों को जोड़ने के लिए, अब आप देखो ना, महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दे दिया, तो ऐसे ऐसे फैसले जब सनातनियों के लिए होंगे तो ऐसे राजनेताओं को जोड़ने में कोई क्या तकलीफ है? नहीं, लोगों की जो आप कहते हैं नाराजगी है, टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, नाराज चल रहे थे कन्हैया मित्तल, फिर वीडियो जारी कर दिया, फिर बीजेपी वाले आपके नाराज हो गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं हुआ। और मैंने जो बात कही कि मैं कांग्रेस में जाने की बात कर रहा हूं, लेकिन वो लोगों ने जब उस पर प्रतिक्रियाएं दी कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से बनते हैं और लोगों का ही प्रेम है जिसके कारण हम हैं, तो लोग नाराज हुए, अपने ही नाराज होते हैं। तो जब उनका देखा मैंने, अगर मैंने राजनीति करनी होती तो मैं सर से एकदम से न्यूज ही आती ना कि मैं चला गया, तो मैं शोर क्यों मचाता? और मैंने कौन सा ज्वाइन कर ली, मैं तो सिर्फ ये बोला कि सिर्फ मन की बात से इतना शोर मच गया तो उसको काम को करने का कोई फायदा नहीं। पर जिस ढंग से आपका वीडियो आया, जिस तरीके से आपने वो वीडियो कहा कि मन कर रहा है जाना चाहिए, उससे मैं ऐसे लगा कि अंदर का एक राजनेता आ गया है, भजन गायक कहीं पीछे चला गया। वो इसलिए हो गया कि लोगों ने हमेशा मुझे कभी योगी जी के साथ देखा, कभी हेमंत बिस्वा सरमा जी के साथ देखा, कभी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ देखा, कभी राजा वडिंग जी के साथ देखा, तो ऑब्वियसली हर किसी के मन में हो ही जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी सेटिंग हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक यही मन था कि सबको राम जी से जोड़ा जाए। मैं जब आया आपके साथ, हालांकि सुरक्षा रहती है, इस बार आया कुछ सुरक्षा और ज्यादा बढ़ गई, ये क्या कोई धमकी मिली आपको या लगा ऐसा सिक्योरिटी एजेंसी को या के बढ़ानी चाहिए? ये आईबी की रिपोर्ट्स होती है, उसके आधार पे आपको मिलती है। अब आईबी को कोई रिपोर्ट मिली होगी, इवन कि मेरे पास तो 9 से 10 लोग आए हैं, अब मुझे उनकी भी सेवा का मौका मिला है, उनके लिए भी सारा अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, और ये आईबी की रिपोर्ट है सर। आपको कुछ खतरा? उनको लगता होगा, आदमी को तो क्या लगता है, ये सुरक्षा जो एजेंसियां हैं इनके हाथ, इनका काम ही यही है कि हर किसी को सेफ करे देश के अंदर, और जब एक दिन के अंदर इतना भूचाल हो सकता है तो उस आदमी को जरूरत तो है ही ना कहीं
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो हर चीज को सोशल मीडिया की धमकी को भी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूँ, थानों को भी, कि जो ऑथेंटिकेटेड नहीं करती सोशल मीडिया की धमकी को, इसको ऑथेंटिकेटेड करना चाहिए, इसको समझना चाहिए और उन लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। अच्छा बाप कहाँ पे हैं, बीजेपी में है कांग्रेस में है कहाँ पे है? मैं अयोध्या में हूँ मैं राम जी के चरणों में हूँ, वहीं था वहीं हूँ वहीं रहूंगा। नहीं आपके तो एक राम को लाने वाले जब वीडियो आया कि राम को लाने वाले कांग्रेस में कैसे जा सकते हैं, पुराने आपके कहीं मैंने देखा सोशल पे कि जब आप बीजेपी के लिए जाते थे किसी समर्थक का प्रचार करने और वो फोटो में वायरल होनी शुरू हो गई, तो अब वो शांत हो गए? हाँ बिल्कुल शांत है, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और कोई जो शीर्ष नेतृत्व है उनका फोन जरूर आया सबके। किस किस का आया? अमित शाह जी का भी आया, स्मृति ईरानी जी का भी आया, बहुत सारे। अच्छा अमित शाह जी ने क्या कहा, कन्हैया भाई क्या कर रहे हो, या अपने स्टाइल में? उन्होंने कहा भाई हम तो उदास हो गए। अच्छा। ऐसा काम मत करो। अच्छा। और बाकी आपकी इच्छा है, और हमारे सामाजिक जो रिश्ते हैं जो हम आप काम कर रहे हैं, आप सिर्फ आप कोई नेता तो है नहीं, आप संगठन के लिए तो काम नहीं कर रहे, आप तो सनातन के लिए काम कर रहे हो, तो आप वही काम करते रहे, बस इतना ही आपसे। पर कन्हैया जी अंदर से जो हमें पता है कि कुछ ऐसा आपके लिए आपको ऐसा कुछ तो चुभा जो आपके मन में बात आई कि इतने बड़ी डिसीजन लेने के लिए आप निकल पड़े? कोई चुभन नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर आज अगर चुभन होती या कुछ भी बात होती, इस मैंने दुनिया में यही देखा है कि अगर आपके अंदर ढोंग है तो आपको तकलीफ आएगी, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आपका आपका ईमान नहीं बिका हुआ, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमने किसी भी तरीके का कोई सौदेबाजी नहीं की, हमारा जो काम हम कर रहे थे वही काम कर रहे हैं, और उसके पीछे मात्र और मात्र एक यही सोच थी कि उन लोगों को भी राम जी से जोड़ा जा सके, वो भी कार्यक्रमों में आ सके, इसके अलावा कुछ नहीं था। आप हमेशा कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों की इज्जत होनी चाहिए। बीजेपी के सांसद है कंगना, कंगना के बयान को लेकर इन दिनों पंजाब में फिर बवाल मचा हुआ है, आपने पहले भी कंगना को लेकर एक बयान दिया था? देखिए मैंने पहले जो बयान दिया था वो भी मैंने सार्वजनिक मंच से ही दिया था और सिंपल तरीके से समझाया था, शायद उसको समझने में लोगों को तकलीफ हुई या नहीं समझ पाए या कटिंग्स कुछ ऐसा हुआ या मैं नहीं समझा पाया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि जो भी लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती, वो कहीं पर भी कोई भी स्टेप लेती है तो वो शेर नहीं है, वो कोई भी हो सकती है। अब उसको कहीं ना कहीं जोड़ दिया कि भी उसने जिसने थप्पड़ मारा वो शेर नहीं है, कि कंगना को गलत कह दिया, फलाना कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंगना जी का अपना मन है, वो अपने संवैधानिक पद पे है, वो अपनी मर्जी से जो बोलना चाहे बोल सकती है। इस बार उन्होंने बोल दिया कि पंजाब से नशा लेकर नशा करते हैं, हिमाचल आते हैं, उसको लेकर भी पंजाब के लोग काफी भड़के। नहीं नशा तो देखिए आप हर जगह है, कहां नहीं है। अब अगर आप पद पे हैं तो आप उसके खिलाफ काम करिए, उसको खत्म करने के लिए काम करिए। हम अगर हमारे घर में कोई दिक्कत है तो हम बार बार उसका बाहर प्रचार नहीं करते, क्योंकि पंजाब भी हिंदुस्तान में ही है, हिमाचल भी हिंदुस्तान में ही, हरियाणा भी हिंदुस्तान में ही है, सबका हमें सम्मान करके चलना चाहिए। हरियाणा में चुनाव है कन्हैया जी, और आपके हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा वालों से आपका बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, बेशक आप चंडीगढ़ में पढ़े लिखे हैं और हरियाणा वाले आपको अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सुना आपने एक फिर भजन कोई बनाया है? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं, जब वो पार्षद थे तब से हमारे मित्र रहे, सांसद रहे तब भी मित्र रहे। और मैं एक और बात बता दूं, अक्टूबर में पिछले साल मुझे याद है धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा थी अलवर में, तो मैंने उस कथा में जाना था, तो बाबा बालकनाथ जी उस समय सांसद थे अलवर से, तो हम दोनों ने जाना था, तो नायब सैनी जी का फोन आया था कि मैं भी आ रहा हूं, मैं भी चलूंगा, तो हम सारे इकट्ठे गए थे। और उस समय मैंने सैनी जी को कहा था कि सैनी जी कुछ और बड़ा होने वाला है, तो उसी के 3 महीने बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने, और जब सीएम बने तो उस दिन भी मैं उनको जब बधाई देने गया तो मनोहर लाल जी ने मुझे कहा जाओ अब अपने नए सीएम से मिलो। तो ये कितने सरल लोग हैं, मैं तो ये सोच के आ रहा हूं, मनोहर लाल जी जो इतने साल सीएम रहे वो मुझे कह रहे हैं अब अपने नए सीएम से मिलो, और बड़ी खुशनुमा चेहरे से। तो आप ये देखो कि कोई मलाल नहीं है, कोई मन के अंदर किसी तरीके की गिल्टी नहीं है, तो ऐसे लोग हमारे मित्र रहे हैं और हम आज भी उनका सम्मान करते हैं, बड़े हैं, और जब उनको जरूरत है, जब वो खड़े हैं, तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और उनके साथ खड़े हैं आपने। और उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की पूजन किया, तो मैंने उसी को जोड़ा इसमें। जो राम को लाए हैं हम उनको लावांगे, हरियाणा में फिर तय ओ भगवा लहरावांगे, हरियाणा में फिरते
ओ भगवा लहरावांगे। भाई त बहन बोली, ताऊ त ताई बोली, हरियाणा में इबके ओ नायब ने लावांगे। जो बिन परची खर्ची हर किसी का काज करे, बस इसीलिए नायब हर दिल पे राज करे। बस इसीलिए नायब हर दिल पे राज करे। नायब जी आए थे, नायब जी आवेंगे, धर्म की नगरी को नायब जी चलावेंगे। जी कहीं कांग्रेस वाले तो नहीं नाराज हो जाएंगे वजन सुन के? नहीं देखो, ये अपना अपना मन है, नाराज कोई होता हो तो अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सनातनी भी नाराज होता है, उसके लिए भी सोचना चाहिए लोगों को। ऐसे ऐसे कई बयान कई पार्टियां दे देती हैं जिसके कारण सनातन धर्म बदनाम भी होता है, और उसके लिए लोगों को काम करना चाहिए। ये गाना बजाना तो चलता रहता रहेगा। आपने जब सनातन की बात की तो बांग्लादेश में जो हुआ, हिंदुओं के खिलाफ जो हुआ, दुर्गा पूजा को लेकर जो वहां पर एक बात आई सामने, और भारत भी छूता नहीं रहा, आपकी बात हुई होगी, धर्म गुरु में आप रहते हैं, विचरते हैं आप, क्या सनातन के लोग सोचते हैं इन राजनीतिक बयानबाजी को लेकर? देखो, इसके अंदर मैं सिर्फ सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो मुसलमान, जो मौलवी अपने आप को इस देश के रक्षक कहते हैं, इस देश में रहने वाले कहते हैं, या इस देश के हितेशी कहते हैं, हिंदू है तो भारत का ही ना, चाहे वो विश्व में कहीं पे भी है, हिंदू रहेगा तो भारत का ही या किसी और देश का कहलाएगा? अगर वो भारत के साथ हैं, देश के मुसलमान मौलवी, बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, यहां के धर्म गुरु जो कि जिनकी बात का इतना प्रभाव ना पड़े, यहां के मुल्ला मौलवियों को खड़े होकर बोलना चाहिए कि वो गलत हो रहा है, लेकिन किसी का स्टेटमेंट नहीं आता। तो इससे क्या दिखता है, दो राय क्यों रखते हैं वो अपनी? और ये समय है आगे आकर उस चीज के लिए बात करें। हमने तो इस पर भी गाना बनाया। अच्छा, बांग्लादेश का हाल देख भगवा लहरा दो, बंगाल का हाल देख भगवा लहरा दो, पीओ के घर चाहिए तो फिर भगवा लहरा दो, हिंदू हो तो चाव से भगवा लहरा दो, जैसे राजस्थान में लहराया यूपी में भी लहराया तो कश्मीर में लहरा दो, लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल जी बात करने के लिए।